नहीं, कोई कैमरा नहीं करेगा। हम नेता होता नहीं है, हम नेता विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, बहुत साधारण परिवार के लड़के। हमारे बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे, यही सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, ऊपर वाले की कृपा है कि जीवन में पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद कुछ करने का अवसर मिला। 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में काम किया, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, फिर अफ्रीका में। लेकिन जिस परिचय से आप में से कुछ लोग हमको जानते हैं, चुनावी रणनीतिकार, चुनावी प्रबंधक, राजनीति से जुड़ा हुआ जो काम है वो 2011 से 2021 तक किए, 10 वर्ष 11 चुनाव से जुड़े रहे। ऊपर वाले की कृपा रही है कि 10 वर्ष में जिसका भी हाथ पकड़े हैं, जिसका भी काम लिए हैं, कभी चुनावे नहीं हारा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको चुनाव जिताने का कोई फॉर्मूला आता है। बस ये इतना ही बताता है कि जिस काम को लेते हैं उसको बहुत ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं। 2021 में बहुत आदमी के ही बुझाते कह रहे भाई काल तक तो दूसर पार्टी के काम करत रहूं, अब आके बिहार में कहें घूमता हूं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो काम हमने 2021 में छोड़ दिया। 2 मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु दो राज्य में जीत मिली, उस दिन मैंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि अब जीवन में किसी का काम नहीं करेंगे। उसके बाद 1 साल तक घर में बैठ के सोचत समझत रहे कि जीवन में आगे क्या करें, और सब सोचने समझने के बाद तय किए कि बिहार आएंगे, और बिहार आकर अपने समाज के लोगों को, अपने राज्य के लोगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। अब बहुत आदमी पूछ रहा है जो पहले काम करत रहे काहे छोड़ दे ले बानी, वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। लोग आपको बताएंगे कि चुनाव में हमसे सलाह लेने के लिए 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ भी नहीं, हमको लोग बड़े बड़े नेता और दल सैकड़ों करोड़ रुपया देता है। इतना पैसा नाम सब छोड़ के गांवे गांवे पैदल काहे घूमता नहीं? हमारे पैदल चलने से आपकी गरीबी तो दूर होगी नहीं। हम 5,000 किलोमीटर चले कि 50,000 किलोमीटर, उससे बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, उससे आपकी शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक होगी, आपका ट्रेन तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, अस्पताल नहीं ठीक हो जाएगा, बच्चों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, जिस राज्य के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक बार आकर जाकर अपनी आंख से देखना चाहते हैं कि आखिर लोगों की परेशानी क्या है, आप कितने संकट में रहते हैं, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की दशा क्या है, जब आप बीमार पड़ते हैं जिस अस्पताल में जाते हैं वहां डॉक्टर है कि नहीं, दवा है कि नहीं, जिस खेत में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं, जिन गलियों में आपके बच्चे खेलते हैं वह उसकी दशा क्या है, नालियों की दुर्दशा क्या है, आप जो फसल उगाते हैं उसका दाम आपको मिलता है कि नहीं, ये देखने चले हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपने खिस्सा कहानी में सुना होगा, कहल जात रहे पहले कि जो प्रतापी राजा होत रहे
वो रात में भेष बदल के निकलता था प्रजा से मिलने के लिए, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि प्रजा की क्या तकलीफ है। अब जिसको आप और हम राजा बना रहे हैं, जेकरा के बटन दबा के हमनी के राजा बनाओ तानी जा, रात के बात तो छोड़ दी, अब दिनों में नहीं खे आओ, कोई दिन में भी नहीं आ रहा है पूछने के लिए। अगर गलती से कहीं आ भी गया तो इतना सुरक्षा लेकर चलता है कि जनता से उनका भेटे नहीं के। बड़े नेता का तो बातें छोड़ दीजिए, जो छोटका नेता है वो भी चार को गन में लेके घूमता हूं सुरक्षा के नाम पर। हम 110 दिन से आज पैदल चलता नहीं, गांव शहर देहात सुबह से लेके रात तक इसी तरह के जगह में रुकते हैं। एगो सिपाही भी हम लेकर नहीं चल रहे, हमको कहां कोई मार रहा है। इसलिए पैदल चल रहे हैं कि जाकर देखें अपनी आंख से, लोगों से सुने क्या परेशानी है। पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि बिहार के सारे पंचायतों का जो समस्या है उसको समझा जाए और पंचायतों के विकास का 10 साल का योजना बनाया जाए। जब हम चल रहे हैं तो हमने देश विदेश से 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया है, बड़े बड़े विशेषज्ञों को लगाया है। बिहार का जब पदयात्रा खत्म होगा तो हर पंचायत के लिए अगले 10 साल का विकास का योजना बनाकर जारी करेंगे। योजना में ये नहीं बताएंगे खाली कि वह गांव में गोल रही गुजर नाली ना रहे नाली बन जाए, ये नहीं बताएंगे खाली कि वहां सड़क टूटा है सड़क बना देंगे। वो तो आपकी समस्या है, उसका समाधान होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में, आपके शहर में बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। आपको ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में जो लोग खेती किसानी करने वाले हैं उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा, और सबसे बढ़ के हर पंचायत में कैसे 500 से 1000 नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, ताकि किसी बिहार के बच्चे को मजबूरी में 10,000-12,000 रुपया की मजदूरी के लिए अपना घर परिवार गांव पंचायत छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। जब पदयात्रा खत्म हुई तो बना के योजना रवा के जारी करो, वोट के लिए नहीं, आप समझिए उसको, पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, नहीं ठीक लगे तो रद्दी के टोकरी में फेंक दीजिएगा। ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है। लेकिन हम तो आज आई बानी अभियान कर रहा बानी तो हमारा पता चला था कि रउआ क्या दिक्कत बा, आ का करे से राउर दिक्कत सुधर सकेला। रउआ तो यही रहता नहीं, आप में से सारे बुद्धिजीवी सारे लोग विद्वान तो यही रह रहे हैं, आपको तो पहले से मालूम है कि यहाँ क्या समस्या है, तो आखिर सुधरत काहे नहीं थे, ये भी बताने चले। देखिए बिहार में 5 बरिस आदमी बैठ के बतियावता, जहां चल जाए घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में, चौक पर, चौराहा पर, चाय के दुकान पर, सैलून में, जहां जाए आदमी रवा के बताई कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा, जब पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, सड़क नहीं थे, रोजगार नहीं थे, फसल के दाम नहीं थे, बाढ़ आवता, सब बात आपको मालूम है, लेकिन जहिया वोट होता रे भाई इस सब बात भुला जाता। बिहार में पिछला 30-40 साल में जब वोट होता है तो आदमी को चारे को बात याद, पहला बात उनका याद बा कि हमार जात का बा, के हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरा के वोट दे दी हल जाओ। जब जात से अगर कोई बच गया तो उसको हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पुलवामा चाइना के नाम पर वोट लिया था, जे दोनों से बच जाता तो कहता कि ये भैया जाए दी रोड खराब बा, रोजगार नहीं थे, शिक्षा नहीं थे, लेकिन हो लालू जी के जो राज रहे जंगल राज उ ना चाही रे भाई, अपराधी बड़ा परेशान करत रह सर, तो लालू जी के राज के डर से आदमी जाकर भाजपा को वोट दे रहा है। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कह रहा है कि ये भैया भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है, इसको तो वोट नहीं दे सकते, तो बिहार में बचल के, बिहार में तो दुए को दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी का लालटेन, नीतीश कुमार का तो कोई दल नहीं बचा, ये कभी लालटेन पकड़ के लटकल वहां, कभी कबल के पुल को बैठ के कह रहा था। मुसलमान बेचारा मजबूरी में सबसे ज्यादा बदहाल फटेहाल होने के बाद भी
कह रहा है कि भैया भाजपा के दे ना सकी तो ललटेने लौकत है एकरे में बटन दबाव ये ना चार चीज पर वोट दे बनी भैया बताई ईमानदारी से। अगर आप किसी चार चीज पर वोट करते हैं हमको पता है आपको पता है तो नहीं तो जाना थोड़ा सा सारा नेता भी बिहार का जानता है कि बिहार के आदमी कतनो हल्ला मचा ले हंस के गा के गरिया के भोटवा तो यही पति है जो यंजा कहा यही बिहार की दुर्दशा के मूल में है जड़ में है। यहाँ का जो राजनीतिक आपका जो जन प्रतिनिधि है उसके मन से हारने का डर खत्म हो गया है। वो जान रहा है कि कुछ भी हो जाए कितना भी आप गुस्सा जाइए वोट उसी को दीजिएगा इसीलिए आपका काम नहीं करता। लोकतंत्र में कोई वजह है कि 5 वर्ष का कार्यकाल बनाया गया है। काहे बनाया गया है 5 साल का कार्यकाल? आपका जिस पर भी भरोसा हो उसको मौका दीजिए कि 5 साल वो काम करे लेकिन अगर काम नहीं किया तो आपकी जवाबदेही है कि उसको झाड़ू से मार के बाहर निकालिए तब ना आपसे करेगा। अगर आप 5 साल में उसको हटाइएगा नहीं आपने तो लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया राजतंत्र बना दिया है। राजा का लड़का राजा बनेगा विधायक का लड़का विधायक बनेगा तो कैसे सुधरेगा बिहार? यही से चलल बानी पैदल गांवे गांव जाता नहीं वोट नहीं की मांग हाथ जोड़ के लोग के समझावता नहीं कि अरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल कोई जात कोई विचारधारा आपकी मदद नहीं करेगा। कोई करी जब रहुआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो कोनो दल आके रहो चिंता करी। आदमी कहता कि हमारा के नेताजी ठग ले लो सबके जरा के दे देव अभी माइक तो कही ए भैया हमारा के नेता चुनाव से बढ़िया बढ़िया पहले बोल के या वोट ले लेलन फिर हमारा के पहचानत नहीं कर आपको कोई नहीं ठग रहा है। बिल्कुल गलत बात है आपको कोई नहीं ठग रहा है आप खुद ही ठगे जाने के लिए तैयार बैठे। आपने वोट दिया है जात पर तो हर जगह जात पे चर्चा होता। आपने वोट दिया है हिंदू मुसलमान पर तो हर जगह हिंदू मुसलमान के बात होता। आपने वोट दिया है पुलवामा पाकिस्तान पर तो जैसे ही टीवी खोलता नहीं तो भारत पाकिस्तान ने सुनाई देता। ईमानदारी से अपने बच्चों के नाम पर बोलिए कि शिक्षा के लिए आपने वोट कभी दिया है? भाई हमने में कोई दे ले भाई स्कूल खाती वोट तो दे ही नहीं की तो स्कूल बनी कैसे? जो बोइएगा वही ना काटिएगा जो बोइएगा वही काटिएगा। बबूल का खेती कर रहे हैं सोचते हैं कि हमको आम काहे नहीं मिल रहा है। भाई साहब अभी बताओ तन की 2 को पैसेंजर ट्रेन 2 जोड़ी बढ़ावे खाती देखिए इस राज्य की दुर्दशा। इस पूरे राज्य ने 40 में से 39 MP मोदी जी का जिता कर भेजा है। 40 में 39 MP हमने के मोदी जी के जिता के भेजले बानी जा। मोदी जी गुजरात में बुलेट ट्रेन बनावता अहमदाबाद से बॉम्बे जाने के लिए बुलेट ट्रेन बन रहा है। बुलेट ट्रेन बनाने का खर्चा है 1,00,000 करोड़ रुपया। बनो भाई हमने के क्या दिक्कत बा देश में विकास होके के चाहिए। पहले से वहां ट्रेन है हवाई जहाज है रोड है लेकिन मोदी जी गुजरात का आदमी बहुत बढ़िया से जाए कम समय में बॉम्बे जा पाए इसके लिए बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं। तो गुजरात को आदमी को बुलेट ट्रेन मिल जाए हमनी के 2 को पैसेंजर मांगे खाती हाथ फैला रहल बानी। अब इतना है जब भाजपा के वोटर बालन हमनी के सब बहुत आदमी भाजपा के वोट देले बानी जा आपसे बता रहे हैं कि गुजरात का आदमी बैठेगा 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर अब बिहार का आदमी पैसेंजर के लिए भीख मांगेगा तो इसके लिए दोषी कौन है? आप हैं हम हैं। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक देश का मालिक और 40 MP का राज्य है बिहार हमनी के लड़का बन गए पूरा देश में घूम के मजदूरी करे वाला हमनी के आंखें नहीं खुल कैसे सुधरेगा बताइए? एमे बहुत आदमी हो जो कहे कि भैया रवे ना मोदी जी के प्रचार करत रही बिल्कुल किए थे 14 में किया था प्रचार बिहार में जब आदमी नाम ना जानत रहन मोदी जी के तब हमने प्रचार किया। आपने सुना होगा हर हर मोदी घर घर मोदी जे आदमी नाम न जानत रहे मोदी जी के वो हमने से लाठी डंडा करे के तैयार बा भक्त तारा बुझाता मोदी जी हम तो सब हो जाए। अब मोदी जी अलन तो का भइल का ना भइल छोड़ दी बात
आप तो खुले मन से चुनौती दे रहे हैं, मोदी जी ने विकास किया कि नहीं किया छोड़ दीजिए, बिहार की मदद की कि नहीं की इसको भी छोड़ दीजिए, मोतिहारी में चीनी मिल खुलल कि ना वो छोड़ दीजिए। अगर 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के लिए एक समीक्षा बैठक की हो तो हम कल से भाजपा का झंडा लेने को तैयार हैं। आप दिखाइए हमको, खोज के दिखाइए कि मोदी जी ने एक बैठक की कि भाई बिहार का आदमी गरीब जनता 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोगों ने गुजरात के इस आदमी को लीडर मान के आंख बंद करके वोट दिया है, हमने के 1 घंटा एगो बैठकों भर वोट नहीं खींचा दे ले, बताइए आप। तो आपको नहीं जगना चाहिए, काहे नहीं जगना चाहिए, नहीं जगिएगा तो फिर गुजरात का झोला लेके ढोइए जिंदगी भर, यही बताने निकले। 5 बरस में आपको सरकार बदलना चाहिए, 32 बरस से लालू नीतीश बर्बाद कर दिया पूरे बिहार को। रोड पर जब मोटरसाइकिल चलाता, मोटरसाइकिल कहाँ बनता, मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में महाराष्ट्र में, आप घर में टीवी रहवा देखता नहीं, रेडियो सुनता नहीं, हाथ में मोबाइल ले ले बनी, कहाँ बनता, कि बनता उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। आप बस पर चलते हैं, ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ बनता, ये बन रहा है गुजरात में, ये बन रहा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो वह घर में सीमेंट लगावता नहीं, छड़ लगावता नहीं, कहाँ बनता, ये बन रहा है झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में कहाँ बनता रे भाई। अरे इतना सब प्रभु धाजी बैठल बोली, बिहार में कहाँ बनता, बिहार में कुछ नहीं बन रहा है, एक ही चीज हम लोग बना रहे हैं, जवान लड़कों को मजदूर, पूरे बिहार को अशिक्षित बना दिया। लड़का पैदा कीजिए, उसको पेट काट काट के खिला पिला के बड़ा कीजिए, पढ़ाई करेगा नहीं तो मजदूरे ना बनेगा, क्या बनेगा। आपका लड़का जिस स्कूल में जाता है वो जब पढ़ाई लिखे हो पिलुआ वाला खिचड़ी बटाता, कभी आपको चिंता ही नहीं है तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के डॉक्टर इंजीनियर बनी, कलेक्टर बनी कि मजदूरे बनी। रोड पर चलता नहीं तो आदमी धो लेता, कुर्ता पजामा पहले कोई लग गई तो तुरंत उनका मांगे की आदत हो गई बा, ए भैया है तनी है नाली बनवा दी, ए भैया तनी है 5 किलो अनाज वाला में नमवा जोड़वा दी। आपको हमको नेताओं ने भिखारी बना दिया। इस देश के संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, गांधी जी ने आपको राजा बनाया, राजा बनाने का अधिकार दिया, और आपने हमने अपनी मूर्खता से अपने आप को भिखारी बना लिया। 5 बरस में आप सब बतिया रहे हैं, जिस दिन वोट देना है तो उस दिन अपना दिमाग ताखा पर रख दिए। पूछा था नहीं वोट काहे दे ले रही, आदमी कहता नहीं भैया सब गुआ में देते रहे तो हम दे देंगे, तो सब जाके गुआ में भीख मांगते रहते रहो, मांगी भीख। अगर आप अपने बच्चे की नहीं चिंता कीजिएगा तो आपका कोई भला नहीं कर सकता है। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आयल बड़न तो सुधार दियो, हम आपको बता रहे हैं जो मंच पावेला यह न कहेला कि हमरा के वोट दे दो हम आप तो ठीक कर दे। हम आपको कह रहे हैं अगर हमको वोट आप दे भी दीजिएगा तब भी बिहार नहीं सुधरने वाला, एक वो प्रशांत किशोर आ जाए 10 प्रशांत किशोर, जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप वो चिंता नहीं कीजिएगा तब तक कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, नहीं तो लिख कर रखिए जिस गरीबी बदहाली में हम लोग का जिंदगी बीता है इसी में आने वाली पीढ़ी और बच्चों की भी जिंदगी बीतेगी, कोई बिहार को नहीं सुधार पाएगा, इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। आदमी कहता ये भैया इतना तो बुझाता हमने के विकल्प ना रहे, रहुआ पार्टी बनाई रहुआ पीछे चलल जाए, तो हम पार्टी काहे नहीं बना रहे, हमारे पार्टी बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में पहले ही से 50 गो दल बा, बिहार में दल कैसे बनता है, जो दल बनाया वही बन गया दल का नेता। आई भी कह दिया कि हमारे बाद होगा हमारा बेटा, अब कुल जाना तू लोग बिहार के आदमी हमारा के वोट देते रह जा। ये दल वो दल विकल्प नहीं है, विकल्प तब होगा जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया। गांधी जी ने आजादी कैसे दिलवाई, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज खड़ा हुआ तब ना आजादी मिला। तो विकल्प बनाने के लिए पैदल चल रहे हैं, गांव शहर देहात कस्बों से सही लोगों को चुनकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म हुई
तो सारा आदमी को जुटा कर एक जगह बैठाएंगे और सब लोग मिलकर तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, वो दल किसी जाति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, बिहार के उन सारे लोगों का होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर चलाए। दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं हुए, दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, तब न बिहार को सुधारेगा। हम रोज कहते हैं हम जन सुराज के नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं, ये व्यवस्था बनाने के सूत्रधार हैं, इसको बनाए बगैर मानेंगे नहीं। आदमी कहता कि बड़ा पैसा खर्चा करता हूं, पैसा कहां से आवता? आपको बता रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। आपकी जो सरकार है यहां पर महागठबंधन की चचा भतीजा की, ये आधा आधा बिहार है इनके पास, बिहार की गरीब पिछड़ी जनता से ये खून चूस के इन लोग लूट के पैसा अपना राजनीतिक पार्टी चला रहा है। और हमारा बनाया हुआ हमारी मदद से आज 6 राज्य में मुख्यमंत्री लोग बन के बैठे हुए हैं। हमको पैसा नहीं मिलेगा? हमको समझता है कि धकिया देंगे? हमको धकिया नहीं पाएगा। इनके ऐसा बहुत बहुत बड़ा नेता हम देखे, पैसा ले रहे हैं उन राज्यों से, उन लोगों से मदद ले रहे हैं जिनको हमने वहां कुर्सी पर पहुंचने में मदद की है, उनसे हाथ जोड़कर पैसा मांग रहे हैं कि बिहार में हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं इसके लिए पैसा दीजिए, ताकि हम किसी भी गरीब आदमी को, अगर सही आदमी है, उसको पैसे के बगैर पीछे न छूटना पड़े। ना तो हमू पैसा ले खाली जाए बड़ा आदमी से तो हमको चलने देगा एक दिन? हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं। आप यहाँ आए हैं तो आपको खाना हम ही खिलाएंगे, आपके घर जाकर चाय नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं। किसी के पास ये ताकत नहीं कि खड़ा होकर कह दे कि 1 रुपया प्रशांत किशोर को दिया है। ये व्यवस्था बनाए हैं, अभी देखी जब ये आगे चलेगा आदमी कहो तो पैसा कहाँ से आई? आपको बताते हैं फॉर्मूला कैसे पैसा आएगा। हम लोग दिमाग के खाने वाले आदमी, हम नेता मंत्री नहीं है, ठेकेदार नहीं है, अफसर नहीं है, लूटपाट नहीं जानते हैं, दिमाग का खाते हैं। जहां टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाए वहीं लक्ष्मी आ जाएंगे। पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, देश ने न देखा हो इतना बड़ा क्राउड फंडिंग का व्यवस्था बना रहे हैं। 11 से पहले रहा ना जानत रहे कि व्हाट्सएप को कोनो चिड़िया के नाम हो, फेसबुक कोनो चिड़िया के नाम हो, राजनीति में हमने वो व्यवस्था शुरू की है। गुजरात के लोगों को बिहार के लड़के ने सिखाया कि ये क्या होता है। हम अब नई व्यवस्था यहां शुरू कर रहे हैं जिसमें मोबाइल के जरिए हर बिहार का वो आदमी जो चाहता है वो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया मोबाइल के जरिए आप अपना घर में बैठे बैठे जन सुराज को भेज पाइएगा बैंक के माध्यम से। लक्ष्य ये है कि चुनाव से पहले अगर दल बना और चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी तो 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100-100 रुपया भी अगर मिल गया तो हो गए 200 करोड़ रुपया। जरूरत क्या पूछे पैसा लगे? कह रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा दिख नहीं रहा है। अब पैसा गलत लेकर आएंगे तो हमको एको दिन चलने देगा? उठा के ले जाएगा पकड़ के। हम डरने वाले किसी से नहीं है, हम उन लोगों में से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने आए हैं तो पूरा सोच समझ कर आए हैं, और ये आप मान कर चलिए इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए। ये सोच समझ कर आए हैं इसको जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। अभी चुनाव तो 4 बरिस के बाद, 3 बरिस के बाद आप देख रहे हैं 16 घंटा में सुबह से शाम तक घर परिवार ऐसो आराम सब छोड़कर गांव गांव घूम रहे हैं, जागे बगैर मानेंगे नहीं। हर हालत में इसको करना है। अगर हमारे जैसे किसी आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा तो बिहार में किस लड़के का हिम्मत पड़ेगा ये काम करने का? कह रहा है कि बिहार क्यों आए हैं? अरे इस मिट्टी का कर्ज है, उस कर्ज को वापस करने आए हैं। इस मिट्टी का कर्ज है हमारे सर पर, अगर हम नहीं प्रयास करेंगे तो किसका हिम्मत पड़ेगा? ये कब्जा करके बैठा हुआ है सब बिहार का आदमी। अगर बिहार स्वतंत्र देश होता तो आज दुनिया में 6वां सबसे गरीब देश होता। इतनी दशा खराब है यहां। हम 5 बरिस अफ्रीका में काम करत रहे तो लोग हमरा से पूछा था भैया अफ्रीका एकरो से खराब बात? तो हम आपको बता रहे हैं कि अफ्रीका में 54 देश है, 54 देश, 54। भारत से, बिहार से खराब उसमें 4 देश है।
अफ्रीका के भी ज्यादातर देश बिहार से बेहतर है। आज हम लोग की इतनी दुर्दशा हो गई है और फिर भी यहाँ आदमी नहीं जग रहा है, फिर भी यहाँ का आदमी जात और धर्म से निकलने को तैयार नहीं है, इसलिए इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार में जाए के रही तो नीतीश कुमार रोजे कहता कि भैया आ जाइए, उनको कह के आए हैं कि अब फिर सियार तरकुल के नीचे ना आई हम, अब घबराई मौत, चाहे कुछ कर दीजिएगा आपके पास नहीं आएंगे। संकल्प लेकर आए हैं इस बार यही काम करना है। अब आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है हाथ उठा के, अब मुंह से भी बोले के बाद। पिछले 30-40 सालों में बिहार की जनता ने जिसको भी वोट दिया सब ने हम लोगों को, हम लोगों के बच्चों को ठगा है, किसी ने हम लोगों के बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़ी हो और महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर मिलकर एक नया विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आप बताइए कि बिहार के जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके बोले के बाद हाथ उठावे के बाद, एक ना बोले के बाद हाथ उठा के ना बोलो, एक कैमरा में आवे के चाहिए, नहीं तो आदमी कहें कि हमारा से पूछलन कहां, खा के कहीं खिचड़ी सुतल हो। यहां बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आदमी कहो तो भैया इतना बात तो बुझा था, विकल्प बनाई सब लोग हमने के लागल जाए, लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाए? हमने के साधारण आदमी चुनाव कैसे जीतेंगे? आपको बता रहे हैं, आप लोकतंत्र के हनुमान हैं, आपके पास जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है, जम बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो कोई राजनीतिक दल कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। आ दूसर बात, जो हमरा के जानता उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। पिछले 10 साल में जिसका भी हाथ पकड़े हो चुनावे नहीं हारा है, इस बार तय करके आए हैं, संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको भी समाज चुनकर निकाल देगा, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़कों को वार्ड सदस्य बनाऊंगा, बिहार तब सुधरेगा जब 5,000-6,000 अच्छा आदमी मुखिया बनेगा, बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग जिला परिषद बनेंगे, 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा, तब न बिहार सुधरी। खाली मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधरने वाला है, पूरी व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक घुन लग गया है, इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास होखो कि ना होखो, होखो ना प्रयास, तरुआ से वोट मांगनी ना, चंदा मांगत नहीं थी, आ नजर घुमा के देख ली इतना व्यवस्था वाले कि नहीं वो अपन फोटो भी ना लगाए। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपका दुआ लेने आए हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। ये कठिन काम है, पिछले 50-60 साल में किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है कि बिहार में ये प्रयास करें, ये प्रयास शुरू किए हैं, इसको पूरा करना है तो ऊपर वाले की कृपा चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं ये बिहार के समाज में, बिहार के समाज के लिए है, बिहार के बच्चों के भले के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि इस पूरे प्रयास को ईमानदारी से करके सफलता पूर्वक पूरा करें। है ना आपका आशीर्वाद? करी न प्रयास, होखो न प्रयास। एक अंतिम बात, हमने के बाहर जाते नहीं जाते कहता हर्षन, बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हम लोग के बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो उसको गाली देता है, लाठी से मारता है, ये हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है, इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए, संकल्प लीजिए कि हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें बिहार के बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा बिहार में ही मिले, ताकि उनको रोजगार यही मिले, उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े। इस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए,
जिस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए हैं, जहां हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, ताकत से जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। संकल्प लेकर जाइए, बिहार के बच्चे पूरे भारत में मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। एक दिन हम लोग के जीवन काल में ऐसा होना चाहिए जब गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा से लोग आकर बिहार में रोजगार करें। ऐसा बिहार बनना चाहिए। सोचे के चाहे कि ना हो के चाहे, होना चाहिए ना भाई। तो खाना खाइए और घर जाइए। बहुत बहुत